ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आगे चलते हैं बीए फर्स्ट ईयर के सेकेंड पेपर के क्लास में। आज का हमारा टॉपिक है मानव विकास, लेकिन आज का टॉपिक हमारा विधियों विकास। ठीक है, आज हम लोग विधियों विकास के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग उस विधियों विकास का अर्थ जानेंगे, परिभाषा और विधियों विकास में क्या अंतर है। तो आज हम लोग बस इतना ही जानेंगे और अगले क्लास में हम बताएंगे विकास को प्रभावित करने वाले कारक। आज हम लोग देखते हैं विधियों विकास का अर्थ। विधियों विकास क्या होता है कि विधि का मतलब होता है बढ़ना या फैलना। विधि की क्या होता है, विधियों विकास जीवन भर में चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। आइए हम लोग इसका परिभाषा देखते हैं। शोरेंसन के अनुसार इसका परिभाषा है, शोरेंसन के अनुसार वृद्धि से आशय शरीर तथा शारीरिक अंगों के भार आकार की दृष्टि से वृद्धि होना है जिसका मापन संभव है। उन्होंने क्या कहा है कि वृद्धि से हमारा ऐसा क्या कि शरीर तथा शारीरिक अंगों के भार आकार की दृष्टि से वृद्धि होना जिसका मापन संभव है। ये कह रहा है कि वृद्धि का मापन क्या होता है, वृद्धि एक मात्रात्मक होता है जिसको हम लोग माप सकते हैं, एक निश्चित सीमा तक होता है और राष्ट्र वो रुक जाता है। तो क्या है उसके शरीर में तथा शारीरिक अंगों में और उसके भार में आकार की दृष्टि से क्या होता है, वृद्धि होता है। ये क्या है आकार का भार, जैसे कि बच्चा हम लोग देखते हैं कि अगर 10 वर्ष का है तो उसका वजन कितना है और 20 वर्ष का है उसका वजन कितना है। तो ये होगा उसका भार और वजन, आकार लंबाई की चौड़ाई वो 5 फुट या 6 फुट का जो होता है। ठीक है, तो ये उसके अंगों में दृष्टि से जो वृद्धि उसका एक मापन संभव है जिसको हम लोग माप सकते हैं। ठीक है, अब आता है हॉलमार्क के अनुसार। हॉलमार्क के अनुसार है वृद्धि से असर प्राणी का आकार और संरचना में परिवर्तन है। हॉलमार्क में क्या क्या है कि वृद्धि प्राणी के आकार और संरचना, आकार यानी लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, उन्होंने आकार को लंबाई और चौड़ाई से लिया है। जैसे कि बच्चा जन्म से जो होता है छोटा होता है 17 से 18 इंच का होता है और उसका वजन 3 से 3.5 किलोग्राम का होता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी वृद्धि विकास होती जाती है उसके भार में आकार में क्योंकि उसके सारी संरचना में क्या परिवर्तन होता रहता है और धीरे धीरे वो बढ़ता जाता है। ठीक है, अगर इसको हम देख लेते जैसे करके कि क्या है कि बच्चा जब छोटा रहता है तो उसकी जब उसका जो परिवर्तन होता है शारीरिक परिवर्तन चाहे आकार हुआ भार हुआ ठीक है लंबाई हुआ चौड़ाई हुआ वो जब देखता है तो उसका जो परिवर्तन होता है शारीरिक अंगों में तो हाथ में नाखूनों का बढ़ना, हाथ पहले छोटा था जैसे जैसे उसकी वृद्धि विकास होती देखता कि मेरा हाथ बड़ा हो रहा है। तीसरा क्या है कि वो उसके शारीरिक जो अंग होते हैं ठीक है शारीरिक नाम होते हैं उसमें क्या होता है परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, अब हम चाहते हैं विकास। विकास क्या है कि विकास सतत प्रक्रिया है। क्या है विकास, एक सतत प्रक्रिया है जो अविराम गति से चलती है और अविराम गति से चलती रहती है। इसमें जन्म से लेकर के मृत्यु तक विकास जो होता है चलता रहता है और वृद्धि क्या होती है एक चरम सीमा पर जाके रुक जाती है, लेकिन विकास जो होता है वो जन्म से लेकर के मृत्यु तक अविराम गति से चलती रहती है। बालक छोटा रहता है गर्भावस्था जैसे कि बाल्यावस्था या शैशवावस्था को देख लिया जाए तो बच्चा क्या होता है शैशवावस्था में उसकी विकास की गति जो होती है बहुत ही तीव्र होती है और किशोरावस्था में जाते जाते बहुत तीव्र होते हुए क्या एक मन हो जाते और प्रौढ़ावस्था में जाकर के क्या होती है शून्य यानी जीरो में आ जाती है, वृद्धि वहीं तक रुक जाती है और विकास क्या करता है कि गर्भ में यानी भ्रूणावस्था से लेकर के वृद्धावस्था यानी जीवन से लेकर के मृत्यु तक वो क्या करता है निरंतर चलता रहता है। वृद्धि क्या होता है वृद्धि एक मात्रात्मक होता है और विकास क्या होता है विकास मात्रात्मक
ना दोनों होता है। पृथ्वी का एक निश्चित समय सीमा होती है और विकास की कोई निश्चित चरम सीमा नहीं होती है, वो निरंतर चलता रहता है। पृथ्वी में क्या पृथ्वी में उसके शारीरिक अंगों और ब्रांच में क्या कहती कि एक जगह आकर के उसकी लंबाई चौड़ाई आकार वृद्धि में रुक जाता, लेकिन क्या होता है कि विकास क्या होता है हमेशा चलता रहता है। लेकिन अगर देखा जाए कि शैशवावस्था या बाल्यावस्था में अगर वृद्धि ना रुके, ठीक है, वहां पे धीमे ना पड़े, तो अगर एक शंकु पर देख लिया जाता है तो एक बालक है जैसे कि छोटा रहता है, तो वो बढ़ जैसे जैसे उसकी वृद्धि में विकास होती जाती है उसके शारीरिक अंग भार वजन ठीक है ये बढ़ता जाता है। अगर ये बढ़े ना रुके सॉरी रुके ना तो क्या होगा, मानव कैसा दिखेगा, एक दैत्य के समान दिखेगा, क्योंकि उसका वजन क्या होगा 40,000 टन के बराबर होगा और उसकी लंबाई कितनी होगी 15 या 20 फुट ऊपर होगी, एक मंजिल मकान से ऊपर होगा। इसलिए वृद्धि का एक निश्चित चरम सीमा बनाएगा वो रुक गया, लेकिन विकास क्या होगा गर्भावस्था यानी बुढ़ापा